नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक नहीं दो दो कंपनी के बारे में, और दोनों ही कंपनी देखा जाए तो केबल बनाने के काम करते हैं, मतलब केबल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, और वो भी देखिए पावर केबल। पावर केबल मतलब आप सभी जानते हैं जितने सारे मतलब देखा जाए तो ऑप्टिकल जो केबल्स होते हैं, इतने सारे वायर्स केबल होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रिक केबल होते हैं, तो वो ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मैं आज एक नहीं दो दो कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो दोनों कंपनी लीडर है, मतलब मार्केट लीडर है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको पावर केबल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन करिए, मतलब सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। नीचे लिंक दिया गया है जहाँ से आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के अपडेट और साथ ही साथ कोई भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी मैं अपडेट वहाँ पे करता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप स्टडी पर्पज़ में सारे चीज़ देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के दोनों स्टॉक के बारे में। फर्स्ट जो कंपनी है, जो इंडिया के नंबर वन कंपनी है, वो है पॉलीकैब। आप सभी जानते हैं पॉलीकैब के बारे में। तो पॉलीकैब देखा जाए तो केबल इंडस्ट्रीज में एक नंबर वन कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी सिर्फ केबल्स बनाते नहीं है, कंपनी का स्विचेस का भी बिजनेस है, कंपनी का फैंस का भी बिजनेस है, लाइट्स का भी बिजनेस है। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज वाइज कंपनी खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन भी कर चुके हैं। तो देखिए सिर्फ केबल बेचने से तो कंपनी नहीं चलेगा, तो उसको उस सेक्टर के प्रोडक्ट भी बेचना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं केबल्स हो गया, फैंस हो गया, स्विच हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। आप पॉलीकैब के बहुत सारे फैंस भी देखे होंगे, तो आप कहेंगे सर क्या फैन इंडस्ट्रीज में पॉलीकॉम नंबर वन है? ऐसे बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा आपको, मैं यही कहूँगा कि पॉलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका मेन मेजर जो बिजनेस है वो केबल्स के ऊपर आते हैं। अगर इसका ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा बिजनेस इसका केबल्स एंड वायर्स के ऊपर है, जो आपको हर तरीके से केबल्स आपको दिखेगा। उसके बाद स्विचेस का भी बिजनेस करते हैं, फैंस का भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ देखिए और भी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जैसे लाइट्स के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो होम अप्लायंसेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मतलब इसको भी बेचते हैं। साथ ही साथ स्विच गियर, जो MCB आप बोलते हैं उस तरीके से स्विच गियर भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी स्टार्ट किया है, छोटा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, और साथ ही साथ पम्प मतलब वाटर पम्प के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। UPVC के ऊपर भी, फिटिंग्स के ऊपर, मतलब जो पाइप फिटिंग्स के लिए जो फिटिंग्स गैजेट लगते हैं, मतलब फिटिंग्स आइटम लगते हैं, वही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ EPC के ऊपर, EPC मतलब जो टावर्स होते हैं, बड़े बड़े टावर्स, जो इस टावर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह लेके जा मतलब लिया जाता है, तो उस EPC के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी का बेस दिखा मतलब ग्रोथ ऑफ बेस दिखा दूँ तो आपको देखेंगे 24 टोटल इसका मार्केटिंग एंड ग्रोइंग अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, सॉरी अलग अलग सेक्टर है, तो 24 प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी का टोटल 25 देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब फैक्ट्रीज है। साथ ही साथ 60 के आसपास कंपनी का कंट्रीज में खुद का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और 4,600 टोटल कंपनी का ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, और रिटेल कस्टमर करीबन करीबन देखा जाए तो 2 लाख के आसपास है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन है कि इस कंपनी के लिए, तो इसीलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स सबसे पहले दिखाता हूँ, क्योंकि आपको जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना है सबसे पहले उसका फील देखना है। क्या वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखता है, क्या वो प्रोडक्ट आपने कभी यूज करे होंगे, तभी उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर बने रहते हैं जिस कंपनी का वो लॉन्ग टर्म भरोसा करेंगे। देखिए इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास 66% का होल्डिंग है, अच्छी बात है। पब्लिक के पास 15% का होल्डिंग है। पहले 2020 में मार्च के क्वार्टर में 13% का होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग 15% हो चुके हैं। DS के पास 13% था, आज 10% हो चुके हैं। FIS के पास 4.5% था, आज वो 8% के आसपास है। इसका मतलब जो होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो देखा जाए तो अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे हर किसी के पास देखने को मिलेगा। रही बात DS के, DS मतलब, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं DS मतलब म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा 7.25% का होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर करके रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है आप ध्यान से देखेंगे
होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब दिसंबर 2020 से 2 साल के अंदर अंदर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज किया गया है। सेम टू सेम एफआईएस ने भी खुद का होल्डिंग इंक्रीज किया लास्ट क्वार्टर में, तो अच्छा खासा एक होल्डिंग इंक्रीजिंग किया, तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। रही बात कंपनी का बाकी डिटेल्स, सर मैं दो ही चीज आपको दिखाऊंगा, कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कंपनी एक्चुअली आपको सेल्स के रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा खासा सेल्स दिखा रहा है, एक्सपेंस के रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा खासा एक्सपेंस दिखा रहा है, मतलब कंट्रोल में है एक्सपेंस। तो कर्जे के बारे में बात करें, कंपनी का कर्जा बहुत कम है, इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट भी कम देना पड़ रहा है, और यही बात के फायदा कंपनी को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिया। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा देखता हूँ जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है क्या उतना ही कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। देखिए 2021 में जितना प्रॉफिट दिखा था उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में आया, मगर 2020 में उतना नहीं आया, क्योंकि 2020 का साल ही कुछ इस तरीके से था, कोविड के चलते हुए बिजनेस में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, तो इस साल को आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी देखिए मार्च 2022 में कितना, 1300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, 50% भी पैसा नहीं आया, और 2018 में 800 करोड़ का प्रॉफिट दिखा, 350 करोड़ का हाथ में कैश आया। इसका मतलब मार्जिन थोड़ा सा मार्केट से उठाना इस कंपनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए मैं एक रेंज आपको दिया था, मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया था, वो आपको बोला था कि ये रेंज जब कोई भी ब्रेकआउट कैंडल दिखेगा तब इसके ऊपर आप एंटी मत लेना, क्योंकि देखिए लॉन्ग जर्नी करने के बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम तो क्रिएट किया, यहाँ पे जो एंटी लेवल हुआ, अगर इस कैंडल अगर इस तरीके से कैंडल बनता, कुछ हैमर जैसे कैंडल बनता, तो जरूर इसके ऊपर मैं एंट्री लेता। तो यहाँ पे जो कैंडल बना है वो शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखेगा। अगर फिर से रिट्रेसमेंट करके कोई ब्रेकआउट दिखे और कैंडल कुछ इस तरीके से दिखे, तो मैं जरूर एंट्री लेने के लिए तैयार होऊंगा इसके ऊपर, और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट मेरा 1:3 रहेगा। तो बने रही है, टेलीग्राम में मैं अपडेट दे दूंगा। तो ये एक कंपनी है, दूसरा जो कंपनी है उसका नाम है फिनोलेक्स केबल। अब सभी जानते हैं फिनोलेक्स केबल के बारे में, तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है अब सभी जानते हैं फिनोलेक्स केबल, ये भी वायर सेंस केबल्स के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो इसका जो मेजर बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमाने वाला प्रोडक्ट है वो है इसका वायर, तो इसका वायर्स बिजनेस का ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, और कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के वायर्स बनाते हैं और सेल आउट भी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का मतलब केबल्स का भी बिजनेस है, जिस तरीके से पॉलीकैब का केबल का बिजनेस है। तो रही बात कंपनी का प्रोडक्ट में, कंपनी अभी तक कोई भी फैंस का, कोई भी स्विचेस का, तो स्विचेस का बिजनेस करते हैं, मगर कोई भी फैंस लाइट्स का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो फिनोलेक्स का सिर्फ आपको स्विचेस दिखेगा, कुछ स्विच गियर बॉक्स मतलब जो MCB वो दिखेगा, और बाकी सारे जो प्रोडक्ट है वो केबल्स दिखेगा। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी बहुत छोटा है, 12,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी देखिए 50 साल की कंपनी का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं कि कंपनी आज मार्केट में आकर गिर चुके हैं और मार्केट में आकर काम करना स्टार्ट किया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, 50 साल का कंपनी पुराना कंपनी है। और रही बात कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और इस 5 प्लांट्स के माध्यम से कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे रोड्स हो गया, जैसे ऑप्टिक फाइबर्स हो गया, मतलब तो रोड का जो कॉपर है वो हो गया, PVC कंपोनेंट्स हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं FRP रोड्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का देखिए 5,000 नेटवर्क है, चैनल नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 से भी ज़्यादा है, तो अच्छा खासा एक नेटवर्क मतलब बना के रखा है। रिटेल कस्टमर भी 1,50,000, जहाँ पे पॉलीकैब का 2 लाख के आसपास था। तो रही बात कंपनी के रेवेन्यूज का, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वायर एंड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर 82% का रेवेन्यूज कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी कम्युनिकेशन केबल्स के ऊपर मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर में लगते हैं उसके में उसके ऊपर 14% रेवेन्यूज कमाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर 4% रेवेन्यूज कमाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल्स है वो यहाँ पे आपको समझ में आ चुके हैं। अभी रही बात कंपनीज के बाकी डिटेल्स का, कंपनी के देखिए एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, कंपनी 1 रुपया भी डेप नहीं लेके रखा, मतलब पूरा का पूरा डेप फ्री आप बोल सकते हैं। 1 रुपया मतलब जो डेप है 10 करोड़ का डेप और 600 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक अच्छी बात है ना इस कंपनी का। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन जरूर करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि कंपनी जितना सेल करते हैं उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस कम है और कंपनी के तो कोई भी कर्जा नहीं है, तो इसलिए इंटरेस्ट जीरो ना के बराबर है, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो रही बात कंपनी के रिटर्न के मामले में, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, सिर्फ 5 साल में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बाकी सालों में तो धमाका रिटर्न दिया। तो देखिए छोटा कंपनी हमेशा आपको अच्छा खासा ही रिटर्न देते हैं, और जब गिरावट होते हैं तो अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको प्रॉफिट दिखेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो के, तो कैश फ्लो आपको कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उन उसी के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हर साल में देखने को मिला है। तो 2021 में कुछ थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला था, 2019 में भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला था। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद देखिए हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करके रखा है, इसका मतलब इस कंपनी में एक स्टेंथ है, इस स्टेंथ के हिसाब से कंपनी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो फिनोलेक्स के मैं एक चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे देखिए प्रीवियस एक बिग रेजिस्टेंस था, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं एक सप्लाई जोन भी था, इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दिया हूँ। इस लेवल से बिग क्रैश हुआ था तो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और रिटच किया, तो प्लीज जो ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल के ऊपर एंट्री मत लेना। मैं बार बार बोलता हूँ कभी भी लॉन्ग जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट होता है तो एंट्री मत लेना, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, फिर से आपको रिट्रेसमेंट दिखे और उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिखे तब आप एंट्री लेना। आप कहेंगे सर यहाँ से अगर भाग गया तो छोड़ देना, ऐसे कोई मतलब आपको एक एक स्टॉक आपका निकल गया तो क्या हुआ, दूसरा स्टॉक जरूर मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से सोचना नहीं है, आपको सोचना है कि रिट्रेसमेंट करके कोई भी स्टॉक रिबैक किया तो सोचना वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जरूर माना जाता है। 100% कोई सियोरिटी नहीं होता है, चांसेस होता है उस ब्रेकआउट में अच्छा खासा आपको हाई लेवल देखने को मिलेगा। ये था दो कंपनी, आपके पास कौन सा कंपनी है जरूर कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। तो इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, जय हिंद।